हेलो नमस्कार दोस्तों, 13 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के साथ मेन से क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज सबसे पहले मेन से क्वेश्चन कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो मेनली एथिक्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि क्या आपको लगता है कि जल्लीकट्टू पर बैन लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी और एक नैतिक तौर पर निर्णय है वो लेना होगा, तभी जल्लीकट्टू पर बैन है वो लग सकते हैं। तो इसको आपको बताना है 150 वर्ड में, आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैंने GS4 एथिक्स के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो भी हम आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे जल्लीकट्टू के बारे में, तो वहाँ से आप उस पॉइंट्स है वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास भी कुछ पॉइंट होंगे, आप उनका यूज़ करके आंसर है वो जरूर, आंसर राइटिंग है आप जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला एडिटोरियल है वो मेनली है वेस्ट एशिया की यात्रा के बारे में, कि भारत के प्रधानमंत्री हैं वो वेस्ट एशिया की यात्रा पे जाके आए थे। GS2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के रिलेशंस को लेके, तो वहाँ उसके बारे में पॉइंट्स है वो एक एक करके देख लेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भारत के प्रधानमंत्री वो 3 कंट्रीज की यात्रा पर गए थे, ओमान, पेलेस्टीन और UAE। तो सबसे पहले तो हम इनकी लोकेशन से वो देख लेते हैं, कि लोकेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। तो एक एक करके हम इनकी लोकेशन से वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ओमान की लोकेशन, एक सेकेंड, ये आप यहाँ पे देख सकते हो अरेबियन सी के अंदर ओमान की लोकेशन है, ये है ओमान का एरिया। इसके बाद में अगला था वो था यहाँ पे, अगला था ओमान, ओमान के बाद में था UAE। ये छोटी सी कंट्री आप देख रहे हो यहाँ पे, UAE जिसे दुबई कहते हैं, ये है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से। और इसके बाद में था वो तीसरी कंट्री थी वो पेलेस्टीन। तो पेलेस्टीन यहाँ पे इसराइल के छोटे से पार्ट में, उसको हम एक बार दूसरे मैप में जूम इन करके देख लेते ताकि हमें अच्छे से मैप भी डिस्कस हो जाए हमारे साथ साथ। ये है मेनली पेलेस्टीन का। देखो पेलेस्टीन है वो एक विवादित एक्चुअली कंट्री है, उसको लेके काफ़ी कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, काफ़ी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। तो मेनली इसराइल के कुछ मेन लैंड के अंदर ये वेस्ट, जो वेस्ट बैंक और जो गाजा स्ट्रिप है इसको मिला के पेलेस्टीन बोला जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो वेस्ट बैंक काफ़ी सुर्खियों में था अभी जेरूसलम को लेकर, तो हमें ध्यान रखना है कि वेस्ट बैंक और जो गाजा स्ट्रिप है इसको मिला के पेलेस्टीन है वो कहते हैं। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर यात्रा में गए थे, और यह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री हैं वो पेलेस्टीन की यात्रा पर गए थे, नहीं अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री है भारत के वो पेलेस्टीन की यात्रा पे नहीं गए थे। तो ये पहली एक ऐतिहासिक, मतलब काफ़ी मेमोरीज भरी है। तो अब यहाँ पे आर्टिकल में देखते हैं। देखो आर्टिकल सबसे पहले बात ये उठा रहा है यहाँ पे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी डायनेमिक हो गई है अभी। अभी आप देख सकते हो कि अभी एक महीने पहले ही जस्ट है पेलेस्टीन के जो, सॉरी, इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो इंडिया विजिट पे थे, नितिन इंडिया विजिट पे थे। उसके बाद अभी रिसेंटली देखा जाए तो आपको पता है कि इसराइल और पेलेस्टीन के रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी इंडिया है, इंडिया ने लगातार दोनों कंट्रीज के साथ रिलेशन है वो मेंटेन करके रखने की पूरी पूरी कोशिश की है, और अभी उन्होंने पेलेस्टीन की यात्रा है वो की है। तो देखो आर्टिकल में 3 चीज़ें ये बताई गई हैं। सबसे पहले तो बताया गया है कि इंडिया के प्रधानमंत्री की पेलेस्टीन यात्रा, उसके बाद में UAE यात्रा और ओमान यात्रा, की तीनों के पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं। तो पेलेस्टीन यात्रा के बारे में तो कहा गया कि देखो वेस्ट एशिया की, भारत के प्रधानमंत्री की जब प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद 5वीं यात्रा है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है कि लगातार वेस्ट एशिया के साथ रिलेशन है, इंडिया इंप्रूव कर रहा है। और पेलेस्टीन में तो पहली यात्रा की गई, मतलब पेलेस्टीन में तो भारत के प्रधानमंत्री की पहली विजिट है। और रही बात ये कि पहले जो वेस्ट एशिया है वो देखो इंडिया के लिए काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि वेस्ट एशिया में काफ़ी डिस्टर्बेंस है और उस माहौल में इंडिया वहाँ पर बहुत अच्छा रोल है वो निभा सकता है। चाहे आप इकोनॉमी को लेकर देख लो या फिर दूसरे सेक्टर को लेकर देख लो, चाइना वहाँ पर लगातार अपनी गतिविधियाँ वो बढ़ाता जा रहा है, तो इसलिए इंडिया के लिए भी काफ़ी अहम क्षेत्र हो जाता है। और इंडिया वहाँ पर, इंडिया ने काफ़ी कंट्रीज के साथ MOU साइन किए हैं, अभी पेलेस्टीन की यात्रा पे गए तो वहाँ पे मेरे लिए काफ़ी एमओयू साइन किए। इसी के साथ जो पेलेस्टीन का सबसे बड़ा अवार्ड है जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर, तो उसके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को, उसको अवार्ड के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। तो ये थी कुछ पेलेस्टीन यात्रा के बारे में बेसिक पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे देख लिए। अब चलते हैं हम आगे, अगला था UAE यात्रा के बारे में। तो UAE यात्रा के बारे में जो पॉइंट्स आते हैं उनको हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। UAE यात्रा में देखो ये कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी उनकी यात्रा है दुबई की, रिश्ते लगातार हैं UAE के साथ, इंडिया के इंप्रूव होते जा रहे हैं, तो वो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है साबित हो सकती है। क्योंकि देखो वेस्ट UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वो इंडिया के लिए तो एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी अहम होता है। इसके साथ अगली बात यह है कि इंडिया का काफ़ी बड़ा डायस्पोरा है वो UAE के एरिया में रहता है, तो ऐसे माहौल में अगर इंडिया वहाँ पे, मतलब इंडिया के रिलेशन उसके साथ ज़्यादा इंप्रूव होते हैं तो इंडिया को उस चीज़ का काफ़ी फायदा है वो हो सकता है। तो उसी चीज़ को लेकर राइटर है वो कह रहे हैं कि देखो इंडिया को इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इंडिया है, इंडिया ऑयल के ऑयल को लेकर इंडिया ने काफ़ी MOU जो वो साइन किए हैं। इसी के साथ है पाकिस्तान की निंदा की गई, मतलब पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया गया कि टेररिज्म जो कंट्रीज़ फैला रही हैं वो लगातार ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे सिक्योरिटी को लगा के पॉइंट्स है वो सामने। इसके बाद में आती है ओमान यात्रा।
तो ओमान यात्रा का पॉइंट ऐसे आता है कि देखो चाइना को काउंटर करने के लिए ओमान की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ओमान की लोकेशन वो अरेबियन सी के काफ़ी सारे अरेबियन सी को फेस करती है पूरी, और वहाँ पे एक तो पायरेट्स का खतरा काफ़ी रहता है, सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उनका काफ़ी खतरा रहता है, तो इसलिए इंडिया के वहाँ पर नेवी बेस भी हैं, इंडिया उनका काफ़ी यूज़ भी करता है ताकि शांति के कार्यों में उनका यूज़ हो किया जा सके, और वहाँ पर हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी इंडिया ने इन्वेस्ट भी किया है, और उसका रिलेशन भी काफ़ी इंडिया के लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, तो एक तो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि देखो चाइना है वो बिस्तर में लगातार अपनी वैल्यू बढ़ाना चाह रहा है, तो ऐसे माहौल में इंडिया है उसको लगातार पहले से प्रिपेयर रहना होगा, ऐसा नहीं है कि इंडिया बाद में जब चाइना लगातार बढ़त ले ले उसके बाद में इंडिया कुछ स्टेप उठाए, इंडिया को पहले से इस मामले में इस एरिया में ओमान के एरिया में अपने स्टेप है उठा के रखने होंगे ताकि इंडिया को फ्यूचर में कोई दिक्कत है वो ना आए। इसके बाद में देखो अंत में कंक्लूजन में कहा जाता है कि वेस्ट एशिया है उसमें अगर देखा जाए तो अभी भी सुल्तान वगैरह के रूल हैं वो चल रहे, जबकि इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में आज पूरे तरीके से डेमोक्रेसी है, वेस्ट एशिया में आज भी किसी के सुल्तान वगैरह इस तरीके के रूल होते हैं, उसके बावजूद भी इंडिया है वो रिलेशन लगातार इंप्रूव कर रहा है। देखो एक टाइम ऐसा था इंडिया का, तो इंडिया एक टाइम पर ऐसा कहता था कि जिन कंट्रीज़ में प्रॉपर ढंग से डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर इंडिया रिलेशन वगैरह इंप्रूव नहीं करेगा, बट आज ऐसा नहीं है, आज इंडिया अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के नज़रिए से देखते हुए जहाँ भी इंडिया को फायदा हो रहा है उस हिसाब में इंडिया लगातार अग्रसर है, और भरी बात यह कि देखो इंडिया ने काफ़ी सारे वादे और एमओयूज की हैं इन कंट्रीज के साथ, तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा टास्क है कि इंडिया को इन वादों को पूरा करना होगा, क्योंकि देखो इंडिया की सबसे बड़ी कमी यही है कि इंडिया जो टारगेट है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिससे इंडिया के जो पड़ोसी या जो मित्र देश हैं उनमें काफ़ी नाराजगी हो जाती है, और चाइना इस चीज़ का फायदा उठा लेता है, तो इंडिया को चाइना को मतलब चाइना की इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया को अपना बेनिफिट है वो कंटिन्यू रखना है, और अपने माहौल के अकॉर्डिंग इंडिया को अपना वहाँ पे काम है अपनी पॉलिसी या डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो लगातार इंप्रूव करने होंगे। तो ये था आर्टिकल जो हमने यहाँ पे देखा, अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल के बारे में। अगला आर्टिकल है वो मेनली GS3 से लेके हैं, इसमें मेनली क्लाइमेट चेंज को इन्वायरमेंट को लेके आर्टिकल है, तो देखते हैं इस आर्टिकल में है क्या। देखो इस आर्टिकल में बेसिक से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं वो कह गए हैं, सबसे पहली बात तो इस आर्टिकल में मेन फोकस ये किया गया है कि देखो क्लाइमेट चेंज है वो पूरे विश्व के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है, तो ऐसे हालात हो गए हैं कि अभी कि सभी कंट्रीज़ कोई ना कोई विकल्प लगाने की कोशिश कर रही है कि क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है तो हमें पहले पर कोई ना कोई ना ऐसा तो स्टेप उठाना होगा ना ताकि यहाँ की जनसंख्या वगैरह जो लोग हैं वो आराम से रह सकें, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि सभी कंट्रीज़ हैं वो एडोप्शन प्रोजेक्ट पर फोकस कर रही है। एडोप्शन प्रोजेक्ट का मतलब भी होता है कि भाई क्लाइमेट तो जैसे चेंज हो रहा है तो इसके लिए क्यों ना क्यों अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो दूसरे रिसोर्सेज पे या दूसरे क्षेत्र पे फोकस किया जाए ताकि क्लाइमेट चेंज से जो भी नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई है वो किया जा सके। तो देखो अब यह आपको बताया कि पेरिस क्लाइमेट चेंज में काफ़ी वादे किए गए थे और अभी सभी कंट्रीज ने टारगेट रखा है कि भाई इस सदी के एंड तक एट एनी कॉस्ट टेम्परेचर वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ा जाए, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया जाए, बट अभी जिस तरीके से हालात हैं देख के लग रहा है कि टेम्परेचर तो 21वीं सदी के एंड तक लगातार बढ़ेगा, उसमें तो कोई डाउट है वो नहीं है। अब देखो बात ऐसी है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर सभी कंट्रीज हैं वो साथ आ रही हैं और मौसम का कुछ पता नहीं है, मौसम काफ़ी इनरेगुलर हो गया है, बारिश कभी होती है कभी नहीं होती, तो इसलिए भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, और मेनली जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को। अब वो क्या रहा है कि एग्रीकल्चर में जो अदर प्रोजेक्ट है उन पर फोकस किया जा रहा है। देखो पहले तो क्या था कि इंडिया में एग्जाम्पल ले लो कि इंडिया में पूरी खेती थी वो मानसून पर डिपेंड करती थी कि बारिश हो रही है तो इंडिया में खेती होगी, बारिश नहीं हो रही है तो खेती नहीं होगी, बट आज माहौल कुछ चेंज हो गया, आज सीन ऐसा हो गया है कि इंडिया वो इरीगेशन मतलब ड्रिप इरीगेशन वगैरह पर इन पर फोकस करने लगा कि बारिश हो या ना हो इसका कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारे जो काम है वो कंप्लीट करने हैं, तो इंडिया लगातार उस दिशा में अग्रसर है। तो वो सारे पॉइंट यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। इसके बाद में आर्टिकल है राइटर है वो कह रहे हैं कि देखो समुद्री जो पानी है वो काफ़ी सोल्टी होता है, तब उसको भी यूज करने के लिए काफ़ी अडोप्शन प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं और इस दिशा में नए प्रयास हैं वो लगातार कार्यरत हैं। और अगली बात राइटर कह रहे हैं कि देखो जो अमीर कंट्रीज हैं जो डेवलप कंट्री हैं इनको तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डेवलप कंट्री के पास तो टेक्नोलॉजी भी है और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो वो आराम से अपनी जो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट आ रहा है उससे एक तरीके से उभर सकते हैं। पर दिक्कत आ रही है गरीब कंट्रियों को क्योंकि गरीब कंट्रियों के पास ना तो टेक्नोलॉजी है ना ही उनके पास फंड है, तो टेक्नोलॉजी और फंड दोनों ही ना होने की कंडीशन में उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है, इसीलिए उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप है वो उठाने होंगे। इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गरीब कंट्रियों को भी फंड देने की बात की जा रही है कि जो अमीर कंट्री हैं वो गरीबों को कुछ ना कुछ फंड देंगी ताकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ किया जा सके और उन्हें भी नुकसान है वो ना झेलना पड़े, बट राइटर ये कह रहे हैं कि जो एडोप्शन प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं कि भाई इन चीज़ों से निपटने के लिए उसमें भी काफ़ी कुछ खामियाँ हैं, तो राइटर मेरे लिए चार खामियाँ बता रहे हैं, इन खामियों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी खामियाँ हैं। तो राइटर की जो खामियाँ बता रहे हैं कि एक तो सबसे पहली बात तो है कि जो फंडिंग दी जाती है वो प्रॉपर ढंग से नहीं दी जाती है, मतलब जिस कंट्री में या जिस एरिया में ज़्यादा फंडिंग की जरूरत है वहाँ तो फंडिंग होती है कम और जहाँ पर फंडिंग की ज़्यादा
ज़्यादा कम जरूरत है वहाँ पे ज़्यादा फंडिंग दी जाती है। तो एक तो फंडिंग है वो प्रॉपर, मतलब इनरेगुलर फंडिंग है। इसके बाद में अगला पॉइंट ये आता है कि देखो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लगाया जाता है, एडोप्शन प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, तो ऐसे माहौल में होता क्या कि लोकल जो एरिया है उसकी, लोकल जो कम्युनिटी है उसकी ओपिनियन को फोकस नहीं किया जाता, मतलब लोकल एरिया के जो इंटरेस्ट है उनको सर्व नहीं किया जाता है, जिससे लोकल एरिया को काफ़ी नुकसान होता है। अगला पॉइंट आता है कि जो प्राइवेट एजेंसी हैं वो क्या करती हैं, अपना मिसयूज उठाने, मतलब अपना फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करती हैं। क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर प्राइवेट एजेंसी की तरफ से लगाया जा रहा है तो प्राइवेट एजेंसी क्या करती हैं, अपने फायदे को पहले सर्व करती हैं, इसके बाद में कम्युनिटी वगैरह पे वो फोकस करती हैं। तो ये एक पॉइंट आता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, वो आता है प्रोजेक्ट को लगे कि प्रोजेक्ट हम काफ़ी सोच समझ के लगाने होंगे, क्योंकि अभी तक जो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं वो सोच समझ के नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे दिक्कत है वो ज़्यादा आ रही है। गवर्नमेंट कई बार तो क्या करती है कि जहाँ पर प्रोजेक्ट लगाना है उस एरिया में तो प्रोजेक्ट लगाती नहीं है, और जिस एरिया में कोई प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है वहाँ पर प्रोजेक्ट लगा दिए। तो उससे हुआ क्या कि गवर्नमेंट का पैसा भी खर्च हो गया और आउटपुट भी नहीं मिलेगा, तो उससे नुकसान और ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद में अगली बात ये आती है कि देखो जो भी प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं उसमें पूर लोगों पे, मतलब गरीब लोगों पे फोकस वो नहीं किया जा रहा है, कि भाई गरीब लोगों के इंटरेस्ट है उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट लगाने से पहले गरीब लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई गरीबों को कहाँ फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि देखो जब तक गरीबों को फ़ायदा नहीं होगा, अदरवाइज़ वो लोग है क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा क्लाइमेट को। तो इसलिए ज़रूरत इसी बात की है कि पूर जो लोग हैं, पूर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फोकस किया जाए और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह लगाया जाए, ताकि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट वो मिल सकें। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो मेरे लिए यूएसए के बारे में है। तो इस आर्टिकल के जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सॉरी, अगला जो आर्टिकल में इस पॉइंट में ये बताया गया है कि देखो यूएसए है वो लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात कर रहा है, कि मैं हम अभी लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन वो बनाएंगे। तो अभी आपके दिमाग में होगा कि लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन होते क्या है। देखो नॉर्मली जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं वो काफ़ी एरिया में नुकसान पहुँचाते हैं, मतलब अगर कहीं भी बम धमाका किया जाता है, कहीं भी विस्फोट होता है तो काफ़ी सारे एरिया का उसको काफ़ी सारे एरिया में नुकसान होता है। मतलब नॉर्मल न्यूक्लियर वेपन की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी यूएसए कह रहा है कि भाई हम छोटे न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, ताकि जो छोटे मिशन या छोटे टारगेट कंप्लीट करना हो तो हमें इस चीज का फायदा हो सके। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि ये ले लो कि जैसे ये एक सिटी, अगर इस सिटी को बम से उड़ाना है तो क्या होगा, ये छोटा एरिया अगर इसके लिए यहाँ पे बड़ा बम यूज किया जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो आसपास का एरिया इसको भी नुकसान पहुंच जाएगा। तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और अगर वहीं पर ज्यादा फोकस किया जाए, अगर वहीं पे अगर छोटा बम बनाया जाता है और इस एरिया को अगर रिस्टोर करना है तो यहाँ पे अगर छोटा बम डेवलप किया जाए तो इस वाले एरिया को नुकसान होगा। तो मतलब जो प्रॉपर टारगेट है वो पूरे हो सकेंगे छोटे मिशन है वहाँ पे। जैसे कई बार क्या होता है कि बॉर्डर वाले या कुछ एरिया में क्या है कि छोटे एरिया को अगर टारगेट करना होता है तो उस कंडीशन में छोटे न्यूक्लियर वेपन की जरूरत होती है। तो उन छोटे न्यूक्लियर वेपन को कहा जाता है लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन, मतलब उनकी पावर है वो कम होती है न्यूक्लियर वेपन से, होते न्यूक्लियर वेपन ही है। तो इसको लगी अब आपके दिमाग में और यूएसए ऐसे वेपन क्यों बना रहा है, यूएसए के पास तो काफ़ी बड़े वेपन्स हैं, मतलब बड़ी मिसाइल्स वगैरह हैं, सब कुछ हैं, उसके बाद उसे छोटे वेपन्स की जरूरत क्या है। तो जरूरत उससे इसीलिए है कि देखो एक तो नॉर्थ कोरिया का कुछ पता नहीं है, तो इसलिए वो चाहता है कि नॉर्थ कोरिया के अगर कुछ किस तरीके से एक्शन लेता है तो वहाँ पर हमें स्टेप उठाने होंगे। इसके बाद में उसका कहना है कि चाइना का भी कोई भरोसा नहीं है और देखा जाए तो रशिया का भी। तो यूएसए अपनी सिक्योरिटी के लिए कह रहा है कि भाई हम छोटे लो यील्ड के जो न्यूक्लियर वेपन है वो बनाएंगे, ताकि हमारी सिक्योरिटी है उसको हम ध्यान में रख सकें। इसके बाद में ये बात कहती है कि जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो न्यू न्यूक्लियर जो पोस्टर रिव्यू आया था एनपीआर 2018 का, वो काफ़ी अलग है। देखो ओबामा के टाइम पे भी नए जो न्यूक्लियर पॉलिसी आई थी, न्यूक्लियर रिव्यू आया था, वो काफ़ी डिफरेंट था। उसमें क्या है कि शांति की तरफ फोकस किया गया था कि यूएसए वो शांति की तरफ अग्रसर होगा, बट जो अभी ट्रंप मास्टर हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो अटैक है वो करेंगे, अगर हमारे ऊपर किसी भी कंट्री ने कुछ किया तो हम तो उसको तोड़ फोड़ देंगे, ऐसे एक्शन है वो लेने की बात सामने आती है। तो देखो अब एक तो बात आती है कि रशिया की, रशिया के बारे में पॉइंट ऐसा आता है कि देखो रशिया का सबसे बड़ा पॉइंट ये कहना है कि भाई देखो आपने जब नाटो की बात की थी, नाटो आप मतलब रद्द कर दोगे, नाटो को आप क्या है कि हटा दोगे, बट अभी तक नाटो को हटाया नहीं गया, क्योंकि नाटो है वो मेनली यूएसएसआर को तोड़ने के लिए बनाया गया था। तो अभी यूएसएसआर तो टूट गया है और अभी बना है रशिया। तो रशिया को ऐसा लग रहा है कि नाटो को अभी तक क्यों नहीं एक तरीके से डायल्यूट किया गया है, इसीलिए वो रशिया है ना लगातार वेपन सब बना रहा है। तो मतलब हो क्या रहा है, देखो पूरे वर्ल्ड में माहौल ऐसा हो रहा है कि सभी कंट्रीज हैं वो लगातार न्यूक्लियर वेपन बनाती जा रही हैं। एक होड़ सी चल गई है कि एक कंट्री ने एक न्यूक्लियर वेपन बनाया तो दूसरी दूसरा बना रही है, तीसरी तीसरा बना रही है, ऐसे हालात हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में ये हो गया कि नॉर्थ कोरिया वो भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ईरान भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए क्योंकि पूरे विश्व में एक तनाव है वो फैल गया, और इसीलिए यूएसए चाहता है कि भाई वो लो यील्ड के न्यूक्लियर वेपन वो बनाए। तो उसको लेके आर्टिकल आया था, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है वो मेरे जल्लीकट्टू के बारे में। तो इस आर्टिकल के पॉइंट्स को देखते हैं। देखो आर्टिकल में सबसे पहले क्या गया
कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रहती उसके तहत क्या किया था, जल्लीकट्टू को बैन किया गया था। जल्लीकट्टू मेनली तमिलनाडु का गेम है, मतलब एक कल्चरल गेम के नाम से जाना था अभी तक, तो उसको लेके है आर्टिकल है। तो इसमें राइटर ये कह रहे हैं कि देखो उसके बाद हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया 2014 में। उसके बाद हुआ कि तमिलनाडु में इसका विरोध होने लग गया, कि उन्होंने कहा कि हमारा कल्चरल गेम है, काफ़ी सालों से हम इसको खेल रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए बाद में हुआ ये कि वहाँ की जो विधानसभा थी उसने एक तोड़ मतलब तोड़ मरोड़ के क्या है संशोधन कर दिया कानूनों में, और उसके बाद इसको अलाउ कर दिया। अब उसके बाद वापस केस है वो सुप्रीम कोर्ट गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को केस है वो दे दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अब इसके पे सुनवाई है वो करेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने 5 नए पॉइंट हैं कि वो इन पॉइंट्स को देख के इसका डिसीजन है वो सुनाएगी। तो देखो जब डिसीजन आ जाएगा तो वो डिसीजन हमारे लिए एग्जाम में लिखने के लिए एग्जाम में काम है वो आएगा। तो हम एक बार देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो कौन से 5 जो केस पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक बेंच है वो ये देखेगी कि क्या तमिलनाडु ने जो संशोधन किया था वो सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो तमिलनाडु ने संशोधन किया है वो मतलब तमिलनाडु के दायरे में ही नहीं हो, उसके बाद तमिलनाडु ने अपने दायरे से हटकर इनडायरेक्टली रूप से कानून बनाया हो, तो उस चीज़ पे फोकस किया गया सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद में अगला पॉइंट ये आएगा कि क्या जल्लीकट्टू है वो आर्टिकल 29 के तहत लीगल है या नहीं है, तो इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। अगला पॉइंट ये आता है कि देखो जो विधानसभा का जो मोटो है, कि विधानसभा का मोटो यह था कि क्या बूल की जो नेटिव ब्रीड है उसको प्रिजर्व करना है नहीं करना, तो इस चीज़ पर फोकस किया जाएगा कि विधानसभा का मोटो क्या था, मतलब विधानसभा ने किस तरीके से जो एक तरीके से कानून है वो बनाया, कानून को चेंज किया ताकि वहाँ पे जल्लीकट्टू को स्टार्ट किया गया था। तो उस चीज़ के लिए चेक किया जाएगा कि विधानसभा का मोटो क्या था उस टाइम पर उस कानून को चेंज करने के लिए। इसके बाद में चौथा पॉइंट ये आता है कि विधानसभा में जो संशोधन किया गया था क्या वह आर्टिकल 14 और आर्टिकल जो 21 है इसके विरुद्ध है या नहीं है, तो इस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। और बाद में पाँचवा पॉइंट है वो ये आते हैं कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया था उसके बावजूद भी अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने संशोधन किया है तो क्या वो संशोधन है वो मतलब तमिलनाडु जो सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध है या नहीं है, तो उस चीज़ पर फोकस किया जाएगा। तो मैंने इन 5 पैरामीटर को फोकस करके बाद में अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है जो उसकी संवैधानिक बेंच है वो डिसीजन सुनेगी, तो उसके बाद ही प्रॉपर रिजल्ट है वो सामने आएगा। तो देखो अभी तो जो जजमेंट है वो उसका रिजल्ट सामने आया नहीं है, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने का हम वेट करेंगे। उसके बाद जो भी जजमेंट आती है तो वो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो हो सकती है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट एडिटोरियल डिस्कशन। इसके अलावा जो PDF है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो क्वेश्चन है वो वेलकम UPSC का जो पेज है, फेसबुक पेज और जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।